तहजीब की खुशबू जिंदा है। वो जो पीछे लोग बैठे हैं उनके लिए, हर घर में तहजीब की खुशबू जिंदा है जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। तो आइए उर्दू तहजीब और तमद्दुन का एक नजराना आपकी खिदमत में पेश करते हैं और एक नज़ारा देखते हैं कि उर्दू तहजीब किस तरह से हमारे मुल्क में जिंदा है, मुशायरों के जरिए, अदबी खिदमात के जरिए। ये माइक अथर शकील साहब के हवाले। मुअज़्ज़ज़ सामईन ख़ातिमो हज़रात, सबसे पहले अथर शकील नगिनवी का आप तमाम हजरात की खिदमत में प्यार भरा आदाब। शुरू करता हूं उस रब्बुल आलमीन के नाम से जिसके कब्जे में हमारी जाने हैं, हमारी इज्जत और जिल्लत है, हमारा रिज्क है। इकबाल ने कहा था कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोजे महशर उन उज्र हाए मन पजीर, बर हिसाबम रातो बीनी ना गुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। हजरत, ये फारसी के चार मिसरे थे जो इकबाल ने कहे थे और एक मतला उन्होंने कहा था उर्दू के ताल्लुक से। वैसे तो बहुत से अशार कहे नातिया, लेकिन एक मतला जिसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इकबाल की शायरी को समझने के लिए, उसकी फनकारी को समझने के लिए ये मतला भी काफ़ी था। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हजरत, मैं आपको दिल की गहराइयों से इस 74वें यौम जमहूरिया पर मुनक़िद होने वाले इस जश्न जमहूरिया के प्रोग्राम की मुबारकबाद पेश करता हूं। आप हजरत कबूल फरमाइए। ये मुशायरा इस लिहाज से बहुत ज़्यादा तारीखी हैसियत का हामिल है कि ये मुशायरा उस दिन की याद में मुनक़िद किया जा रहा है, उस यौम जमहूरिया पर मुनक़िद किया जाता है कि जिस दिन आज़ाद हिंदुस्तान को बाबा भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में तैयार किया हुआ आईन हिंदुस्तान को मिला था और इस दिन हम मुकम्मल तौर पर ज़हनी और फिक्री गुलामी से आज़ाद हो गए थे। जश्न जमहूरिया के इस मुशायरे का सिलसिला 74 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ था जब दिल्ली के लाल किले में बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे, उसमें सिंगिंग के प्रोग्राम भी थे, काव्य गोष्ठी या कवि सम्मेलन का प्रोग्राम भी था और एक प्रोग्राम जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था, जिसका तसलसल आज भी चला आ रहा है, वो था आल इंडिया मुशायरे का। लाल किला दिल्ली का वो मकाम है कि जिस मुशायरे में शिरकत करके शोरा हजरात अपने ऊपर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने, हकूमत महाराष्ट्र ने उर्दू अकादमी के ज़रिए मुनक़िद करने वाले अपने इस प्रोग्राम को गेटवे ऑफ इंडिया पर मुनक़िद करके एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसकी मिसाल कहीं दूसरी नहीं मिलती। लाल किले का वो मुशायरा जहां अपनी अहमियत का, अपनी हैसियत का बहुत ज़्यादा हामिल है, वहीं गेटवे का ये मुशायरा भी कम हैसियत का हामिल नहीं है। इस गेटवे ऑफ इंडिया ने बेशुमार मनाजिर ऐसे देखे हैं कि जिसमें हिंदुस्तान में नशीब व फराज भी आए, बहुत से एहतजाज भी हुए, आज़ादी के मतवालों ने भी यहाँ हाज़िरी दी, कितने ही हमारे लड़के लड़कियाँ, मर्द व ख़वातीन, बच्चे बूढ़े, जो भी मुंबई आया उसने गेटवे ऑफ इंडिया के दीदार को अपनी तमन्नाओं में ज़रूर शामिल रखा। किसी ने यहाँ पर फ़ोटो बनवाए, किसी ने इसको जानने के लिए काविशें की, किसी ने इस पर पहुंचने को अपनी ज़िंदगी का एक मकसद करार दिया। लेकिन हम शोरा इकराम की एक किस्मत, मैं ये कहता हूँ कि खुशकिस्मती ये है कि हमें यहाँ पर मुशायरा पढ़ने का शरफ हासिल हुआ और साथ ही ये शरफ भी हासिल हुआ कि जो काम किसी ने नहीं किया था गेटवे पर आकर, वो इन शोरा हजरात ने किया। यानी इस मुल्क में कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने के लिए इस गेटवे ऑफ इंडिया को गवाह बनाया और यहाँ से पैगाम पूरी दुनिया में अमन आश्ती का दिया और आज तक दे रहे हैं। हम इस ताल्लुक़ से अपने शोरा हजरात पर फख्र करते हैं और साथ ही ये दरख्वास्त करते हैं आप शोरा हजरात से भी कि आज चूँकि वक्त बहुत हो चुका है,
लिहाजा मैं भी वक्त कम लूँगा, 10 बजे तक ये मुशायरा चलना है, तो लिहाजा 8 मिनट अपने लिए मुख्तस फरमा लें। मुझे किसी को शुक्रिया कहने की वहाँ से दूसरे माइक से ज़रूरत न पेश आए, चूँकि मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ हर शायर अपना कलाम भी पढ़े और उसकी नुमाइंदगी भी हो, लेकिन वक्त के अंदर रहते हुए। हमें 10 बजे से पहले पहले इस मुशायरे को वाइंड अप करना है, इख्तिताम करना है, और उस पीरियड में तमाम प्रोग्राम भी अमल में आने हैं जो हमारे मेहमानान खुसूसी या मेहमानान एजाजी यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। साथ ही हजरात, मैं एक दरख्वास्त यहाँ पर यह भी करना चाहता हूँ कि हमारे मुशायरों की रिवायत रही है नातिया या हमदिया कलाम से पढ़ने की, तो मैंने दुनिया के सबसे बड़े शायर इकबाल का नातिया कलाम पढ़ा, लेकिन अब मैं चंद दुआया अशार से एक शायर के हुजूर पहुंचूंगा और आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि जब मैं उसका नामे नामी अनाउंस करूं तो आप अपनी तालियों से, अपनी मोहब्बतों से उसको नवाजेंगे। मैं दुआया अशार से इस प्रोग्राम का आगाज़ करने से कबल चाहता ये हूं कि इस मुशायरे की सदारत, जैसा कि कार्ड पर, दावतनामे पर छपा हुआ भी है, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहिब को फरमानी थी, लेकिन उनका एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला पाए। उनकी जगह दुनियाए उर्दू अदब का वो अजीम शायर यहाँ पर सदारत के लिए तशरीफ फरमा है कि जिसका नाम ही काफ़ी है, उसके कलाम से उसके नाम की शनाख्त हो जाती है और उसके नाम से उसके कलाम की पहचान हो जाती है। ऐसे साहिब तर्ज, साहिब उसलूब शायर को कायनात अदब आलम खुर्शीद के नाम से जानती है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस प्रोग्राम की सदारत कबूल फरमाएँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़ोरदार तालियों में इस्तकबाल फरमाएँ और अपनी तालियों से उनकी सदारत की तायीद फरमाएँ। आलम खुर्शीद साहब तशरीफ़ फरमा है और उन्होंने ये सदारत कबूल फरमा ली है। हजरत, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि फूल से हाथ खाली हैं, जर बख्श दे। फूल से हाथ खाली हैं, जर बख्श दे। हर शजर को खुदाया समर बख्श दे। सांस लेना भी दुनिया में दूभर हुआ, सांस लेना भी दुनिया में दूभर हुआ। जिंदा रहने का हमको हुनर बख्श दे, जिंदा रहने का हमको हुनर बख्श दे। बेकफस कैद में है इलाही ये दिल, इस परिंदे को अब बालो पर बख्श दे। लहजा लहजा तहफ्फुज अता कर हमें, लहजा लहजा तहफ्फुज अता कर हमें। सोजे दिल बख्श अपना खतर बख्श दे। सोच से मेरी बढ़कर है कुदरत तेरी, तू जो चाहे तो पत्थर को पर बख्श दे। कुफ्र है उससे मायूस होना शकील, क्या खबर कब दुआ में असर बख्श दे। इन दुआया अशार के बाद आइए हजरात दरवाज़ा गज़ल पर दस्तक देते हैं और एक ऐसे नौजवान शायर को दरख्वास्त करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें, जिनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि हिंदुस्तान भर में होने वाले मुशायरों के लिए वो मुतहर्रिक रहते हैं। उनकी पहचान मुशायरों के हवाले से बम्बई में ख़ास तौर से बनी हुई है और बम्बई के बाहर भी उन्हें हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया मुशायरों में मुतहर्रिक रहने पर, सरगर्दा रहने पर जाना और पहचाना जाता है। एक मतला और एक शेर के साथ मैं उनको ज़हमत दूंगा। मुलाहिज़ा फरमाएं कि कौन हल्का है कौन भारी है, कौन हल्का है कौन भारी है, ये तराजू की जिम्मेदारी है। हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवाओं की जिम्मेदारी है। इस्तकबाल कीजिए नौजवान शायर नज़र बिजनौरी साहिब का कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। 8 मिनट का वक्त हमने यहाँ पर अनाउंस किया है, जो हमें दिया गया है, मैं भी उसी का पाबंद हूँ और मैंने जितना ज़्यादा बोलना था वो तमहीद में बोल दिया। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। नज़र भाई तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें, आप उनका इस्तकबाल कीजिए। हाजरीन इकराम, शोरा इकराम, काबिल सद एहतराम सदर आले ज़िवकार आलम खुर्शीद साहब, 2013 से इस मुशायरे का आगाज़ गेटवे ऑफ इंडिया, ये ख्वाब था, एक ऐसा ख्वाब जो कई साल से देखा जा रहा था। इस ख्वाब को देखने वाले कई लोग यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, जिनकी मेहनतें शामिल हैं, और आज जिन लोगों ने यह मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया है उर्दू अकादमी की पूरी टीम को, और ख़ासकर हाशमी साहब को, फरीद साहब को, तहसीलदार साहब को, अनूप साहब को, एक बार तमाम लोग मिलकर पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। ये वो तोहफा है, ये मोहब्बत की वो शमा है जो खूने दिल से जलाई गई है। बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं इसमें। मैंने एक शेर कहा था
कैसर साहब के घरों में बैठ के आशा है तबसरा करना, घरों में बैठ के आशा है तबसरा करना, अजाबे जहाँ है मेरी जहाँ मुशायरा करना। तो ये अजाबे जहाँ का जो काम किया है, एक गजल का मतलब चंदशेर हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि जरा सोचो गजल में अब नया हम क्या निकालेंगे, जरा सोचो गेटवे ऑफ इंडिया पर हैं आप, मुंबई में हैं आप, आपकी तालियां आपकी जिंदा दिली पूरी दुनिया जानती है। एक बार तालियां बजाइए अपने लिए, अपनी खूबसूरत समाजों के लिए। मतलब हाजिर करता हूं कि जरा सोचो गजल में अब नया हम क्या निकालेंगे, मगर जो भी निकालेंगे बहुत उम्दा निकालेंगे। जरा सोचो गजल में अब नया हम क्या निकालेंगे, मगर जो भी निकालेंगे बहुत उम्दा निकालेंगे। और बतौर खास ये शेर के गलत फहमी का जो पहना है वो चश्मा निकालेंगे, गलत फहमी का जो पहना है वो चश्मा निकालेंगे, तुम्हारी आंख से हम आज एक तिनका निकालेंगे, तुम्हारी आंख से हम आज एक तिनका निकालेंगे, मगर जो भी निकालेंगे बहुत उम्दा निकालेंगे। और अतर शिकिल साहब बतौर खास ये शेर के कई गजलें तुम्हारे नाम पर खैरात करनी है, नवी मुंबई से आलम बाबा आए हैं कि कई गजलें तुम्हारे नाम पर खैरात करनी है, कब तक करेंगे भाई? तुम्हारे हुस्न का हम इस तरह सदका निकालेंगे, जल्दी कीजिए नेक काम। कई गजलें तुम्हारे नाम पर खैरात करनी है, तुम्हारे हुस्न का हम इस तरह सदका निकालेंगे, और नजर सहरा नवर्दी अब हमें बर्बाद कर देगी, नजर सहरा नवर्दी अब हमें बर्बाद कर देगी, समंदर से हम अपनी प्यास का दरिया निकालेंगे। नहीं, शेर अगर अच्छा है तो तालियां बजाकर पुरजोर दो। दोस्तों जश्न है, जश्न हिंदुस्तान है, जश्न जमहूरिया है, आप बिल्कुल उदास बैठे हैं, यहां ये पूरी महफिल आपके लिए। नजर सहरा नवर्दी अब हमें बर्बाद कर देगी, समंदर से हम अपनी प्यास का दरिया निकालेंगे। अतर शकील साहब ने एक बात कही कि मोहब्बत का पैगाम, एक नज्म पढ़ता हूं दोस्तों अगर आप तक पहुंचे, लेकिन वक्त का भी दिखा जी बिल्कुल। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफरत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। बहुत शुक्रिया। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफरत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो नफरत के सर पर अमन की दस्तार रखते हैं, चलो नफरत के सर पर अमन की दस्तार रखते हैं, चलो सबके लिए अपने दिलों में प्यार रखते हैं, चलो झरनों से भरते हैं हंसी झीलों के पैमाने, चलो पौधे लगाते हैं, परिंदों को बुलाते हैं, गुलों को तितलियां देते हैं, जुगनों को जगाते हैं, बड़े पेड़ों की शाखों पर नए पत्ते उगाते हैं, चलो सबके लिए सांसों का एक एक जाम भरते हैं, चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। और ये भी बन देखें, बहुत शुक्रिया, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, मोहब्बत की बात हो रही है कि चलो चलो मजहब की अब सारी दुकानें बंद करते हैं, चलो मजहब की अब सारी दुकानें बंद करते हैं, जो नफरत से लिखी वो दास्तानें बंद करते हैं, जो भूखा है वो भूखा है उसे खाना खिलाते हैं, जो प्यासा है वो प्यासा है उसे पानी पिलाते हैं, न पूछे जात हम उसकी न उसका धर्म हम जाने, चलो इंसानियत के नाम पर ये काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफरत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। शुक्रिया नजर भाई, बहुत शुक्रिया। आइए हजरात, ये इसकी आवाज बढ़ाइए भैया, प्लीज इसकी आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़वाइए, इसकी आवाज बढ़वाइए। हजरात नजर बिजनौरी साहेब अपने खूबसूरत अशार और एक नज्म से नवाज रहे थे, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हजरत हमारी फहरिस्त में
दो शायरों का और ख़ूबसूरत इजाफा हुआ है और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं उनको भी शामिल मुशायरा करूं, तो मैं बड़े अदब के साथ उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएं, मैं उनके नाम अनाउंस करूंगा, लेकिन साथ ही दरख्वास्त ये भी करूंगा कि वो अपने मुख्तसर कलाम से नवाजें ताकि बाकी शोरा हज़रात भी अपना कलाम पेश फरमा सकें। अली फाजिल साहिब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। अली फाजिल साहिब, बग़ैर किसी तमहीद के सीधे सीधे आपसे जुड़ता हूँ और बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बात शहरी सफ़र का आगाज़ सदरे मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए एक बार मेरे हौसले अफजाई के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए और यहाँ से सफ़र का आगाज़ करता हूँ। अस क्या है कि कभी शिकवा नहीं करते, कभी रुसवा नहीं करते, कभी शिकवा नहीं करते, कभी रुसवा, कभी शिकवा नहीं करते, कभी रुसवा नहीं करते, मोहब्बत करने वाले दिल कभी गुस्सा नहीं करते। वाह, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत करने वाले दिल कभी गुस्सा नहीं करते और हंसी हो, खूबसूरत हो, गुलाबों से भी नाजुक हो, मगर हम अजनबी लोगों से तो रिश्ता नहीं करते, मगर हम अजनबी लोगों से तो रिश्ता नहीं करते। और बहुत नाजुक सा शेर आ रहा है आपकी मोहतरम समातों के हवाले। तमन्ना है मुकद्दस मैं मिले फाजिल हमें के हम, तमन्ना है मुकद्दस मैं मिले फाजिल हमें के हम, कभी नापाक से मशरूक का नशा नहीं करते। और एक मतलब और एक शेर यूँ कहा है कि इर्तिका का राज पिन्हा फिक्रे मुस्तकबिल में है, मैं अभी से कैसे कह दूँ जिंदगी मुश्किल में है, और बांध कर सर से कफन मक्तल को जाना है अली, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बांध कर सर से कफन मक्तल को जाना है अली, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पहले तो निगाहों की शरारत से लड़ा हूँ, तब जाके तेरे दिल में धड़कने को गया हूँ, और रुसवाई सदा उनकी मोहब्बत में मिली है, बन बन के लहू जिनके चरागों में जला हूँ, बन बन के लहू जिनके चरागों में जला हूँ। और एक मतला और एक शेर यूँ कहा है कि मिल ही जाएंगे बहुत बात बनाने वाले, मिल ही जाएंगे, मिल ही जाएंगे बहुत बात बनाने वाले, मिल ना पाएंगे मगर साथ निभाने वाले, हमने अंजाम को सोचा है ना सोचेंगे कभी, हमने अंजाम को सोचा है ना सोचेंगे कभी, बेवफा हम है तेरे नाज उठाने वाले, बेवफा हम है तेरे नाज उठाने वाले। आवाज़ आवाज़ एक आवाज़ है दोस्तों, तंग कर आवाज़ नहीं आ रही है। बेवफा हम है तेरे नाज उठाने वाले, आवाज़ आ जाओ। जाएंगे बहुत बात बनाने वाले, मिल ना पाएंगे मगर साथ निभाने वाले, तंग दस्ती ही गवारा है न खुशहाली ही, हाय क्या हो गए अफसोस जमाने वाले। बहुत अच्छा। पहले तो निगाहों की शरारत से लड़ा हूँ, बस ये चार में सिर्फ इस जहमत तमाम
कि पहले तो निगाहों की शरारत से लड़ा हूँ, तब जाके तेरे दिल में धड़कने को गया हूँ। और रुसवाई सदा उनकी मोहब्बत में मिली है, बन बन के लहू जिनके चरागों में जला हूँ। निगाहें शौक तू अपनी निगाहों में छुपा के रख, तेरी ऐसी मोहब्बत से हमारा दिल लरसता है। शुक्रिया। नहीं लगता बिना तेरे हमारा दिल कसम रखी, मोहब्बत से निभाले दिल मोहब्बत को तरसता है। शुक्रिया अली फाजिल साहिब। आइए हजरात, अली फाजिल साहिब ने अपने कलाम से नवाजा, और मैं जब्बार राजन साहिब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, ये भी एक खूबसूरत इजाफा है कि वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जब्बार राजन साहिब, सदर मुहतरम की इजाज़त से और तमाम शोरा हज़रात से आप सबसे इजाज़त चाहते हैं, दो मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ। इर्शाद, अर्ज़ किया है कि वो जिनकी याद के जुगनू हैं मेरी पलकों पर, वो जिनकी याद के जुगनू हैं मेरी पलकों पर, वो जिनकी याद के जुगनू हैं मेरी पलकों पर, नहीं खफी सी भी जुम्बिश अब उनके होठों पर। वाह। वो जिनकी याद के जुगनू हैं मेरी पलकों पर, नहीं खफी सी भी जुम्बिश अब उनके होठों पर। और शेर सुनिए कि वो प्यारे प्यारे गुलाबों से खुशनुमा चेहरे, वो प्यारे प्यारे गुलाबों से खुशनुमा चेहरे, गली के मोड़ पे हैं अपना और वो सड़कों पर। वाह। गली के मोड़ पे मिलते हैं अपना सड़कों पर। और इजाज़त होते एक गज़ल तरन्नुम से सुना देता हूँ। झूठी बातें न तुम करो छोड़ो, झूठी बातें न तुम करो, झूठी बातें न तुम करो छोड़ो, झूठी बातें न तुम करो छोड़ो, तुम यही कहते हो हटो छोड़ो। तुम यही कहते हो हटो छोड़ो, साथ ये उम्र भर का है अपना, साथ ये उम्र भर का है अपना, एक ही पल में न तोड़ो छोड़ो। वाह। एक ही पल में, शेर अर्ज़ है कि इत जानते हो मैं चाहता क्या हूँ, जानते हो मैं चाहता, जानते हो मैं चाहता क्यों, इतने नादान मत बनो छोड़ो। वाह वाह। इतने नादान, और सेंसर कर दे रहा हूँ बख्तार से, कर दिया फिर उदास राजन को, कर दिया फिर उदास राजन, कर दिया फिर उदास राजन को, इतने पत्थर तो ना बनो छोड़ो। झूठी बातें न तुम करो छोड़ो। बहुत अच्छे उस्ताद राजन साहिब, आपकी विरासत पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने अच्छे अशार से नवाजा और अपने वक्त के अंदर रहते हुए अपने कलाम से नवाजा, ये आपका हमारे ऊपर खुसूसी एहसान है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपने अच्छे अशार से नवाजा। आइए हजरात, मुस्तकिल संजीदगी भी मायूसी में तब्दील हो जाती है। मैं ये देख रहा था कि जब राजन साहब अशार पढ़ रहे थे तो आप कभी उनको थोड़ी सी दाद दे रहे थे और कभी नहीं दे पा रहे थे, तो मुझे लगा कि आपको कुछ ऐसे चटखारे वाली बातों की ज़रूरत है
कि जहां आप खिलखिलाकर हंस भी सकें, बोल भी सकें, दाद भी दे सकें। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा महसूस हो शोरा हजरात को कि जैसे एक मुअज्जिन किसी कब्रिस्तान में अजान पढ़ रहा हो और वहाँ सन्नाटा हो। आइए हजरात, हमारे यूपी में इलेक्शन चल रहा था, हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसे कुछ दिन के लिए टाल दिया। लोगों के मज़े आ रहे थे, कभी इस दस्तरखान पर जाते थे, कभी उस दस्तरखान पर जाते थे, लेकिन अचानक वो कारोबार बंद हो गया। तो मुझे आफ्ताब लखनवी साहब के चार मिसरे याद आ रहे हैं। मैं उन चार मिसरों के साथ एक ऐसे शायर को आपकी समातों के हवाले करूंगा जो आपकी समातों को बेदार भी कर देगा और आपको गुदगुदाने का हुनर भी भरपूर अंदाज में रखता है। आफ्ताब लखनवी ने कहा था कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं, वो किसको वोट दे जो हर तरफ का खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियां भी होती हैं। इसी खूबसूरत चार मिसरों के साथ मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे ही मुंबई से तशरीफ़ लाने वाले मैशर फैज़ाबादी साहिब से, तंज़ो मिज़ा का एक ऐसा मोतबर नाम कि जिसकी शायरी आपको गुदगुदाने पर, आपको हंसाने पर, आपको कहकहे लगाने पर मेरा यकीन मजबूर कर देगी। इस्तकबाल कीजिए मैशर फैज़ाबादी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सलाम किया है आप लोगों से, आधार कार्ड नहीं मांगा है। नहीं नहीं, मैंने जवाब दे दिया हुजूर, आप पढ़ें वक्त निकल जाएगा। चार चार मिसरे मुरादा फरमाएं, अता करें सारे सर। आला कद की इजाज़त तलब करते हुए इरशाद कि कौन सी खुजली न जाने तेरे दीवाने में है, कौन सी खुजली न जाने तेरे दीवाने में है, कौन सी खुजली न जाने तेरे दीवाने में है, छूट कर वो कल ही आया आज फिर थाने में आए। वाह वाह, और वो मज़ा अब मुर्ग बिरयानी में भी आता नहीं, जो मज़ा खुजली तुझे रह रहे के खुजलाने में है। अरे क्या कहना है, वाह वाह। आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो, आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो, आशिकी सब पे झाड़ते क्यों हो, अपनी दुनिया उजाड़ते क्यों हो, और प्यार करते हो जिससे तुम महशर, उसकी अम्मा को ताड़ते क्यों हो। किसी जमाने में मैंने इश्क किया था, मुरादा फरमाया क्या अंजाम हुआ, कि पर्दे की बात सारे जमाने में ले गई, पर्दे की बात सारे जमाने में ले गई, पर्दे की बात सारे जमाने में ले गई, सारी हकीकतों को फंसाने में ले गई। वाह वाह, पर्दे की बात सारे जमाने में ले गई, सारी हकीकतों को फंसाने में ले गई, और लिखा था ये खत जो उसे प्यार से बहुत जालिम, वो खत भी कल मेरा थाने में ले गई। वाह वाह, दिल के जिगर के जान के पैसे चुकाए हैं, दिल के जिगर के जान के पैसे चुकाए हैं, दिल के जिगर के जान के पैसे चुकाए हैं, हमने हर इम्तिहान के पैसे चुकाए हैं। वाह। और चाहत वफा खलूस के चक्कर में दोस्तों कट पीस लेके थान के पैसे चुकाए हैं। क्या कहना है, दिल के सौदे में आजकल यारो, देखिए मोहब्बत तो ही लोग नहीं करते हैं, एक तो वो जिसके सीने में दिल नहीं होता, दूसरा वो जिसको चांस नहीं मिलता। मुरादा फरमाए कि दिल के सौदे में आजकल यारो, क्या बताएं कि कितने लोचे हैं, दिल के सौदे में आजकल यारो, क्या बताएं कि कितने लोचे हैं, और देखकर सर लगा लो अंदाजा किस कदर हमने बाल लोचे हैं। वाह वाह, ऐसा कोई प्लान बनाओ तो बात है, ऐसा कोई प्लान बनाओ तो बात है, ऐसा कोई प्लान बनाओ तो बात है, और पैसे बगैर घर को चलाओ तो बात है। वाह, ऐसा कोई प्लान बनाओ तो बात है,
और पैसे बगैर घर को चलाओ तो बात है, और बच्चे तो हो ही जाते हैं 40 की उम्र में, 80 में बाप बन के दिखाओ तो बात है। बन के ये सूरते शमशीर लगी रहती है, बन के ये सूरते शमशीर लगी रहती है, मेरे पीछे मेरी तकदीर लगी रहती है। बन के ये सूरते शमशीर लगी रहती है, मेरे पीछे मेरी तकदीर लगी रहती है, और पिट के बीवी से यूं खामोश खड़ा रहता हूँ जैसे दीवार पे तस्वीर लगी रहती है। क्या कहना है? आखिरी चार मिसरे मुलाकात करना है। अच्छा, कि नहाले नहाले दूध में कौआ तो बगुला हो नहीं सकता, और कसम खा ले कोई झूठा तो सच्चा हो नहीं सकता। छुपा लो लाख चांदी के वरक में फायदा क्या है, जो गोबर है वो गोबर है वो हलवा हो नहीं सकता। बहुत अच्छे मुकद्दर, शुक्रिया। हजरत मैशर फैजाबादी साहब के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया और अपने वक्त में रहते हुए अपने कलाम को मुकम्मल किया। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उन्होंने गुदगुदाया भी और आपको हंसाया भी, ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आइए हजरत फिर उसी संजीदा फ़ज़ा में चलते हैं और एक ऐसे मुदर्रिस के साथ चलते हैं कि जितना अच्छा वो मुदर्रिस है उतना ही अच्छा नसर निगार भी है, और जितना अच्छा नसर निगार है उतना ही अच्छा वो शायर भी है। गो के उसका ये मकाम नहीं है, गुज़िश्ता बरस चूँकि अभी ये जनवरी शुरू हो चुका है, अभी एक महीना कभी की बात है, गालिबन पासबाने अदब ने उनको एक कामयाब उस्ताद के तौर पर अपने एक खूबसूरत अवार्ड से नवाजा। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इस शेर से उनको दरख्वास्त करूँगा कि हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, हर एक शख्स को दुश्मन अगर बनाओगे, मिजाज पूछने वाला कहाँ से लाओगे, ये ऐद तुमसे अगर हो सके तो कर लेना, हमारे बाद किसी का न दिल दुखाओगे। इस्तकबाल कीजिए जाकिर खान जाकिर साहिब का, जो मुंबई से ही तशरीफ लाए हैं। जाकिर खान साहिब माइक पर। बहुत शुक्रिया दर भाई, सर इजाज़त अता कर। एक मतलब और एक शेर, मतलब कुछ यूँ है कि ख्वाब सहराओं की पलकों पर सजा ली हमने, ख्वाब सहराओं की पलकों पर सजा ली हमने, जिंदगी जैसी मिली हंस के निभा ली हमने। क्या कहना कि ख्वाब सहराओं की पलकों पर सजा ली हमने, जिंदगी जैसी मिली हंस के निभा ली हमने। और कैसर भाई ये शेर आपकी नज़र के, हमसे पूछा था किसी ने कि मोहब्बत क्या है, हमसे पूछा था किसी ने कि मोहब्बत क्या है, बेखुदी में तेरी तस्वीर बना ली हमने। कि हमसे पूछा था किसी ने कि मोहब्बत क्या है, बहुत शुक्रिया। कि हमसे पूछा था किसी ने कि मोहब्बत क्या है, बेखुदी में तेरी तस्वीर बना ली हमने। और ये चार मिसरे जश्न जमहूर के नाम के गुजरात से आए कि वो पंजाब से आए, गुजरात से आए कि वो पंजाब से आए, इस देश में खुशहाली किसी बाप से आए। कि गुजरात से आए कि वो पंजाब से आए, इस देश में खुशहाली किसी बाप से आए, और तामीर वतन में तो मैं मसरूफ़ हूँ लेकिन, तामीर वतन में तो मैं मसरूफ़ हूँ लेकिन, तारीफ़ का जज्बा भी कुछ अहबाब से आए। कि तामीर वतन में तो मैं मसरूफ़ हूँ लेकिन, बहुत अच्छा, तारीफ़ का जज्बा भी कुछ अहबाब से आए। और इसी तरह एक मतलब और दो शेर के, सभी को ख्वाहिशे उल्फत है शौके हुक्मरानी है, सभी को ख्वाहिशे उल्फत है शौके हुक्मरानी है, हमें लगता है अपना दिल नहीं एक राजधानी है। कि सभी को ख्वाहिश, बहुत शुक्रिया। कि सभी को ख्वाहिशे उल्फत है शौके हुक्मरानी है, हमें लगता है अपना दिल नहीं एक राजधानी है, और ज़रा बदले नहीं हैं गांव से हम शहर में आकर।
जरा बदले नहीं हैं। गांव से हम शहर में आकर हमारे खून में यारो वही सजदज पुरानी है। कि हमारे खून में यारो वही सजदज पुरानी है। और ये शेर आप सबकी नज़र के ताल्लुक टूट जाने से मोहब्बत मर नहीं जाती। ताल्लुक टूट जाने से मोहब्बत मर नहीं जाती। ये वो दरिया है जिसमें बस रवानी ही रवानी है। कि ताल्लुक बहुत शुक्रिया कि ताल्लुक टूट जाने से मोहब्बत मर नहीं जाती। ये वो दरिया है जिसमें बस रवानी ही रवानी है। और एक गज़ल के कुछ अशार के चश्मे उम्मीद में वहशत का नगर खोल दिया। चश्मे उम्मीद में वहशत का नगर खोल दिया। एक मसीहा ने मेरा जख्म जिगर खोल दिया। बहुत शुक्रिया कि चश्मे उम्मीद में वहशत का नगर खोल दिया। एक मसीहा ने मेरा जख्म जिगर खोल दिया। और अधर भाई के हम तो समझे थे कि होगा कहीं गुमसुम वो भी। हम तो समझे थे कि होगा कहीं गुमसुम वो भी। उसकी तस्वीर ने हर राज मगर खोल दिया। और हमने किस्मत के भरोसे पे सफीना छोड़ा। हमने किस्मत के भरोसे पे सफीना छोड़ा। बादबां बांध लिया और भंवर खोल दिया। वाह वाह कि हमने किस्मत के भरोसे पे सफीना छोड़ा। बादबां बांध लिया और भंवर खोल दिया। और अपनी मिट्टी को रखा चाक पे उसने खुद ही। और फिर खुद ही मेरा दस्ते हुनर खोल दिया। और एक गज़ल का मतलब कुछ यूं है कि प्यार को प्यार की सरहद से गुजर जाने दो। अब लड़ाओ ना हमें और समर जाने दो। कि प्यार को प्यार की सरहद से गुजर जाने दो। अब लड़ाओ ना हमें और समर जाने दो। और हमसे होगा न कभी अपनी अना का सौदा। हम अगर दिल से उतरते हैं उतर जाने दो। कि हम अगर दिल से बहुत शुक्रिया हम अगर दिल से उतरते हैं उतर जाने दो। और खुर्शीद साहब के इतना काफ़ी है कि वो साथ नहीं है मेरे। क्यों हुआ कैसे हुआ चाक जिगर जाने दो। कि इतना काफ़ी है कि वो साथ नहीं है मेरे। क्यों हुआ कैसे हुआ चाक जिगर जाने दो। और यार मामूल पे लौट आएंगे कुछ सब्र करो। उस सितंगर की निगाहों का असर जाने दो। और मैंने रोका था उसे उसका हवाला देकर। फिर भी वो रूठ के जाता है अगर जाने दो। और खुशगुमा है वो बहुत जीत पे अपनी जाकिर। हम भी चल सकते थे एक चाल मगर जाने दो। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे डॉक्टर जाकिर साहब, बहुत अच्छे अशआर से नवाजा। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप।